हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज सुबह सुबह मॉर्निंग के 6 बज रहा है और मैं निकल रहा हूँ थोड़ा रुकला, रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं गाइज, 6 बजे ही पहन लूँ क्या चश्मा? नहीं, अभी नहीं, इसको पकड़ते हैं, आने का टाइम काम देगा। सो पहनने सब सर सू पहनना है और निकलते हैं गाइज। बाइक रेडी हो चुका है, आज पहुंच चुका हूँ SH हाईवे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कुहासा है भाई, मेन रोड में इतना ज़्यादा कुहासा है, मतलब दिक्कत वाला बात है। धीरे धीरे नहीं जाने से मतलब अंधेरा हो गया है, मतलब धीरे धीरे ना जाने से कुछ हो नहीं सकता है ना, इसलिए थोड़ा धीरे रफ्तार में जा रहे हैं। आप लोग को दिखाते हैं कितना ज़्यादा कुहासा है, जो देखो भाई कितना ज़्यादा कुहासा है भाई, कितना ज़्यादा चलता जा रहा हूँ, मेहनत है रोज, हाँ देख करता जा रहा हूँ, अपने जख्मों को क्यों नहीं हाँ छुपा पा रहा हूँ, लगता जैसे गहरी खाई में गिरता जा रहा हूँ, जिंदगी में मेरे नाकामयाबी का अंधेरा, पता नहीं कब आएगा मेरा हाथ सवेरा, जब आएगा सवेरा कहर मैं उठा दूंगा, जो ज्यादा जलते हैं उनको पूरा राख मैं बना दूंगा। आगे निकल रहा बन रहे के मुंह मन करे। तो गाइस पहुंच चुका हूं अभी बारपाली, है ना, बारपाली पेट्रोल पंप में थोड़ा पेट्रोल डाल लेता हूं, उसके बाद में निकलना है सीधा। तो गाइस डाल लेता हूं पेट्रोल। तो गाइस पानपोस पहुंच गए, पानपोस का कुछ नज़ारा देखो आप लोग। ये है पानपोस, पूरा 7 बज गया, मतलब 1 घंटा और जल्दी पहुंचते, लेकिन कुहासा जो है ना, इसी की वजह से थोड़ा धीरे आना पड़ा। कुछ इस तरीके से ना व्यू है पीछे का, कुछ ऐसा है, देखो मॉर्निंग का लुक नज़ारा। तो अभी यहाँ से निकलना है जोल्डा, ठीक है, तो अभी यहाँ से बांकपुर से राइट निकलेंगे, अभी तो पहुँचते हैं वहाँ पे जल्दी से, फिर जल्दी भी रिटर्न होना है। सीने में दर्द फिर भी हाँ चलता जा रहा हूँ, मेहनत है रोज, हाँ देख करता जा रहा हूँ, अपने जख्मों को क्यों नहीं हाँ छुपा पा रहा हूँ, लगता जैसे गहरी खाई में गिरता जा रहा हूँ, जिंदगी में मेरे नाकामयाबी का अंधेरा, पता नहीं कब आएगा मेरा हाँ दिख सवेरा, जब आएगा सवेरा कहर मैं उठा दूंगा, जो ज्यादा जलते हैं उनको पूरा राख मैं बना दूंगा। तो गाइस मेहमानबाजी होगा, अभी पहुंच गए हैं अभी जहां पहुंचना था, ठीक है, अब यहां से निकल के जाएंगे थोड़ा देर के बाद। बहुत कुहासा भाई, गंदा हो गया मेरा स्वेटर। तो गाइज अभी यहां से निकल रहे हैं, है ना, यहां से निकलते हैं अभी। तो गाइज वहां से निकल के पहुंच गए अभी पनपोस में, है पनपोस ब्रिज के नीचे। यार मेरा स्वेटर का तो हालत ख़राब हो गया, देखो आप लोग सामने से, ठीक है, पूरा डस्ट, इतना रस्त, मतलब रोड का खराबी है ना। देखो गाइस ये ब्रिज है, पानपोस ब्रिज कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं नीचे हूँ फिलहाल अभी। रिवर, नदी नदी, देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है नीचे से। यहाँ से लग के वहाँ तक है, ठीक है। अंदर है पैदा ये समंदर है, ये तो मेरा मंजर है, हर कोई सिकंदर है। आर्मी का भूत जैसे अंदर है पैदा ये समंदर है, ये तो मेरा मंजर है, हर कोई सिकंदर है। याद है वो रात जब काट दिया हाइट में। तो अभी यहाँ से भी निकलते हैं गाइज, थोड़ा सा हल्का हल्का धूप दे रहा था तो यहाँ पे आके
खड़ा हो गए थे, अभी फिर जाना है, मतलब राजगांवपुर 37 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो इसलिए सोचे थोड़ा सा ठंडा भगा लेते हैं। आ गए थे थोड़ा धूप में खड़ा हुए, और आज भी वीडियो जो था लेट से आया, कोई बात नहीं, उसी को देख रहे थे, थोड़ा चेकिंग कर रहे थे YT स्टूडियो में हुआ कि नहीं बोल के, तो हो गया है फिलहाल, अभी अपलोड भी हो गया है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। गाइस देखो गाड़ी का हालात जो है ना पूरा ख़राब, देखो मतलब कुहासा पानी जो आ रहा था उसी का है, और डस्ट उसी का वजह से इसका हालत ख़राब हो चुका है। मैं तो सोच रहा था कि इस जो बारिश था इसमें बाइक को नहीं निकालूंगा बोल, फिर अभी वॉशिंग कराना पड़ेगा, पूरा हालत ख़राब हो चुका है सब तरफ, इधर भी। ओ भाई क्या डस्ट है, मेरा खुद का भी हालत ख़राब, देखो मेरा सूख गया है, पेंट भी गया है, जैकेट भी गया है, अब बताओ इसका भी हालत ख़राब है, क्या करोगे, फिर क्या कर सकते हैं, हो गया सो हो गया, निकलते हैं गाइज यहाँ से। तो गाइज अभी कंसवाल पहुँचा हूँ, ठीक है, कंसवाल का कुछ ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है, दी लोग आ रहे हैं तो उन्हीं को इंतज़ार कर रहे हैं, बोले वहाँ पे रुको हम लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे, साथ में चलेंगे बोल के, तो आ रहे हैं उन्हीं लोग के साथ जाएंगे, तो उसके लिए रुका हूँ, बाकी आने देते हैं। राजगांवपुर में हैं अभी, नया छुप तरफ दीदी लोग को पहुँचा दिए, फिर से आए हैं, चिकन ले रहे थे, तो मामी भी आए हुए हैं, वो तो नहीं खाते हैं चिकन, इसलिए फिर आए घर से फीस लेने के लिए, तो सुबह से कुछ नहीं हुआ है तो खा रहे हैं अभी थोड़ा चाट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अच्छा खिलाते हैं नया छो के सामने, तो उसी को खा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है, देखिए, तो ये खा लेते हैं फिर निकलेंगे। हे गाइज गुड आफ्टरनून गाइज, टाइम हो रहा है एक, अभी आए हैं तालाब नहाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं हम लोग का गांव का तालाब, आए हैं गाइज थोड़ा नहा लेते हैं, मतलब आज टाइम नहीं मिल रहा है, सोच सकते हैं इतना बिजी शेड्यूल, फिर इतना देर से नहा रहे हैं, तो नहा लेते हैं गाइज। तो गाइज मैं बैठा हूँ कहाँ पे देखो, किचन रूम में, ठीक है, रसोई कर रहा हूँ, मछली बन रहा है, दीदी लोग आए हैं उसी खुशी से, खुशी से तो नहीं बट बहुत दिन के बाद आए हैं इसलिए बना रहे हैं, तो मुझे बनाना पड़ रहा है, दीदी लोग बनाए और एक काम के लिए आए हैं, तो लोग वहाँ गए तो मेरे को बनाने के लिए बोले, तो आई डोंट नो कैसे कैसे करते हैं, बाकी ऐसे ऐसे करना बोल के गए, तो मैं उसी को कर रहा हूँ गाइस, तो हो ही गया है, डाल दिया हूँ वहाँ पे, बैठा हूँ इंतजार करो कब होगा तो इसको उतारूँगा। गाइज देखो हो गया है ना, ज़्यादा पानी हो गया कि क्या, जो पता नहीं यार, दे तो दिए। अंदर है पैदा ये समंदर है, ये तो बेरा मजर है, हर को इसी कंदर है, आर्मी का भूज से अंदर है पैदा ये समंदर है, ये तो मेरा मंदर है, हर को इसी कंदर है। याद है वो रात जब काट दिया हाइट में, रो रहा था उस वक्त चंद्रपुर की लाइट में, रोना दिया छोड़ क्योंकि फ्यूचर अपना ब्राइट बे, किस्मत और मेरे बीच में चल रही है फाइट बे, फाइट बे। फॉलो दो साल आइसक्रीम तक ना खाया, उड़ता रहा बस पापा ने बाजार से दलाया, दौड़ भाग कर रहा हूँ रात दिन, जिंदगी में मरता रहा रोज में त्योहार तक ना बनाया, सपनों की तलाश है इस वर्दी में कुछ खास है, मिल जाए एक बार तू जिंदगी ये झकास है। तो गाइस उतार लिए,
हो गया है ना, यहाँ पे रख दिए हैं। बाकी भाई थोड़ा देर में इतना गर्म आँख रेड हो जाता है, थोड़ा देर बैठता हूँ तो जब चूल्हे के सामने हो गया, बाकी वो लोग वहाँ से आएंगे तो खाएंगे। सो गाइस डिनर हो गया और बेड पे आ गया हूँ अभी, तो वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्लिक करो, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।